दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको भी पिंपल्स परेशान करते हैं? क्या आपकी स्किन भी दिन ब दिन मुरझाती जा रही है और आप समझ ही नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है? क्या आए दिन आपको थकावट लगती रहती है और किसी काम में आपका मन नहीं लगता, या फिर अचानक से ही आपके सीने में जलन शुरू हो जाती है, आप ढंग से नींद नहीं ले पाते? दोस्तों अगर आपको भी इसी तरह की समस्याएं हैं तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है आपका गलत तरीके से सोना। क्योंकि आपकी बॉडी में कब क्या होगा ये काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ करवट लेकर सोते हैं। और हम ये क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं और इंसान को बाएं करवट लेकर क्यों सोना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों लोग हर चीज पर ध्यान देते हैं लेकिन कोई कभी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि वो किस तरफ करवट लेकर सो रहा है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है क्योंकि लेफ्ट साइड यानी कि बाएं ओर करवट लेकर सोने से बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो किसी जादू की तरह काम करते हैं। और ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है बल्कि साइंटिफिकली ये प्रूफ किया जा चुका है कि लेफ्ट साइड सोने से बॉडी के वाइटल फंक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। अब आप बोलेंगे भला ऐसा क्यों, इंसान चाहे जिस तरफ सोए बॉडी तो रेस्ट मोड पर ही है। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है और इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको इंसानी शरीर को समझना पड़ेगा। जहां सबसे पहले हम हार्ट की बात करें जो कि हमारे सबसे जरूरी ऑर्गन्स में से एक है, वो और कहीं नहीं बल्कि सीने के बाईं ओर ही होता है। ऐसे में जब हम लेफ्ट साइड की तरफ होकर सोते हैं तो हमारे हार्ट को और ज्यादा ब्लड पंप करने में मदद मिलती है क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो शरीर में खून को बाएं हिस्से से ही सर्कुलेट करता है और शरीर का दायां हिस्सा जहां से ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वो शरीर में दाएं हिस्से से आता है। अब जब हम बाईं ओर करवट लेकर सोते हैं तो दाया हिस्सा फ्री रहता है जिसकी वजह से नॉन ऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आसानी से हृदय की तरफ आता है और शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर बना रहता है। और जब आपके शरीर में रात के वक्त सोते समय ऑक्सीजन का फ्लो बना रहेगा तो आपके एक एक सेल तक ऑक्सीजन जाएगा और आपको उसका पोषण मिलेगा जिसकी वजह से शरीर जल्दी रिपेयर करेगा और बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सब हमारे पेट से जुड़ी होती है। अगर पेट के अंदर खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा तो इंसान का शरीर धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू कर जाएगा, जिसे अगर आप चाहें तो केवल बाईं ओर करवट लेकर सोने से ठीक कर सकते हैं। असल में दोस्तों जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो वह हमारे फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है। हमारा स्टमक एक बैग की तरह स्ट्रक्चर होती है जिससे हमारी छोटी आंत जुड़ी रहती है और हमारी छोटी आंत से बड़ी आंत जुड़ी हुई होती है। जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना सीधा हमारे पेट में जाता है और हमारा स्टमक अपने इनर वॉल से कुछ एसिड रिलीज करता है जो भोजन के टुकड़ों को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है और यही छोटे छोटे टुकड़े आगे हमारी आंतों में जाकर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब यहां पर बात यह है कि जब फूड ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो हमारा पेट ज्यादा एसिड रिलीज करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गलत खान पान की वजह से हमारे स्टमक को ऐसा लगता है कि भोजन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा एसिड रिलीज करना शुरू कर देता है। जब यही एसिड स्टमक में बहुत ज्यादा हो जाता है
तो ये स्टमक के वॉल को पार करके इसोफेगस यानी फूड पाइप से होते हुए सीने तक पहुंच जाता है और सीने में जलन पैदा करता है। हार्ट बर्न जैसी शिकायत होने लगती है हमको और इसी सिचुएशन को एसिड रिफ्लेक्स कहा जाता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि पेट में एसिड कैसे बनता है और एसिडिटी की समस्या कैसे होती है, लेकिन अगर हम अपने असली मुद्दे पर आए कि इसका बाई ओर करवट लेकर सोने से क्या कनेक्शन है, तो दोस्तों जब आप पेट के आकार को देखते हो तो आप ये देखते हैं कि हमारा पेट एक थैले की तरह होता है जिससे फूड पाइप जुड़ा रहता है, जिसका मुंह हमारे पेट के दाहिने ओर है। यानी फूड पाइप का जो मुंह स्टमक से जुड़ा हुआ होता है वो स्टमक के दाहिने ओर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर आप दाहिने ओर करवट लेकर सोएंगे तो होगा ये कि रात में जब आपके पेट में एसिड बन रहा होगा, क्योंकि रात के वक्त जब हमारा पेट लगभग खाली हो जाता है तो उस समय पेट के अंदर एसिड बनना शुरू होता है। जितना समय पेट खाली रहेगा उतने समय धीरे धीरे हमारा पेट एसिड बनाना शुरू कर देता है। अब यहां पर दाएं करवट लेने की वजह से स्टमक फूड पाइप यानी कि इसोफेगस की तरफ घुल जाएगा और जिसकी वजह से एसिड फूड पाइप से होते हुए सीने तक आने लगेगा और इसी वजह से लोगों को एसिडिटी बढ़ जाती है, यहां तक कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इतना ही नहीं, कभी कभी एसिडिटी ब्रेन डैमेज का भी कारण बन जाती है। लेकिन जादू तो तब शुरू होता है जब आप बाएं ओर करवट लेकर सोते हो, क्योंकि तब स्टमक का फूड पाइप से जो कनेक्शन है उसका मुंह अपोजिट साइड में हो जाता है, जिससे एसिड बहकर फूड पाइप तक नहीं पहुंच पाता और सीने में जलन जैसी समस्याएं होती ही नहीं है। और आपको बता दे कि बॉडी में जितने प्रकार की जलन होती है उसमें से एक प्रमुख कारण बॉडी में बहुत ज्यादा एसिडिटी का भी होना है। पर अगर आप रात में एक बार सोते समय एसिड को कंट्रोल कर लेंगे तो आपको बहुत ही प्यारी और गहरी नींद आ जाएगी, और अगर आप अच्छी तरह से सोने लग गए तो आप ऑटोमेटिकली कई बीमारियों से बच जाएंगे। पर बाई ओर करवट लेकर सोने का केवल इतना ही फायदा नहीं है, क्योंकि अगर एक बार आपकी बॉडी में अच्छी तरह से ब्लड पहुंचने लग गया और एसिडिटी की समस्या ना के बराबर हो जाएगी तो आप देखेंगे आप पूरी तरह से हील कर रहे हैं, बीमारियां आपको छू भी नहीं पा रही, कील मुहासे जैसी समस्याएं आप भूले बिसरे दिनों की बात हो गई है। अब कई लोग बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं चलता हम रात में किस तरफ करवट लेकर सो रहे होते हैं। तो दोस्तों उसकी टेंशन मत करो, आप चाहे तो रात में सो रहे हो लेकिन जब आप नींद लेने के लिए बिस्तर पर लेटे तो हमेशा बाई ओर करवट करके ही लेटे। अब आप देखेंगे आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली बदलाव होना शुरू हो गए। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है वीडियो में आपको काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। वैसे आप किस तरफ करवट लेकर सोते हो कमेंट में बताना, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।